नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल भरत जैन को और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आप पा सके लेटेस्ट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वीडियोस सबसे पहले अपने मोबाइल पर। मोबाइल फ़ोन आज हम सबकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी ज़रूरत बन चुका है। तो आज हम लोग जब भी बात करते हैं अपने मोबाइल से और जब नेटवर्क हमारे पास में नहीं होता है या फिर जब हमारे कॉल ड्रॉप्स होते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय रहा है। तो आज मेरे पास में एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप उस टेक्नोलॉजी के बारे में जानकर आपको जहाँ कहीं पर भी कॉल ड्रॉप, नेटवर्क अनअवेलेबिलिटी, नेटवर्क रिच नहीं होता, वहाँ पर आप ये डिवाइस को लगा कर आप नेटवर्क की जो प्रॉब्लम है उससे निजात पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपना ये वीडियो जिसके बारे में मैं बताने वाला हूँ आपको, नेटवर्क मोबाइल सिग्नल बूस्टर के बारे में। अमूमन हमारे घर के अंदर या फिर हमारी ऑफिस के अंदर या फिर हमारी फैक्ट्री के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हम जो भी नेटवर्क यूज़ करते हैं, चाहे वो एयरटेल हो, वोडाफोन हो, आइडिया हो या फिर और कोई तीसरी ब्रांड का नेटवर्क हो, वहाँ पर आजकल जो कंजेशंस हो रहे हैं नेटवर्क से रिलेटेड, तो कॉल ड्रॉप काफ़ी हो जाते हैं या फिर हम लोग देखते हैं कि हमारे मोबाइल के अंदर नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। तो जब हमारे मोबाइल के अंदर नेटवर्क नहीं आता है तो कोई हमें कॉन्टैक्ट नहीं कर पाता है या फिर बात करते करते कट जाती है। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या करें? मार्केट के अंदर कई सारे मोबाइल नेटवर्क बूस्टर्स अवेलेबल होते हैं। मोबाइल नेटवर्क बूस्टर एक टाइप की टेक्नोलॉजी है जो कि तीन डिवाइस से कनेक्टेड होते हैं। तीन डिवाइस मतलब एक आपकी फैक्ट्री घर के बाहर की साइड में लगता है, उसको आउटडोर एंटीना बोलते हैं। साथ में उसके साथ में कोएक्सियल केबल कनेक्ट होता है और एक डिवाइस आपके घर के अंदर लगती है जिसको सिग्नल बूस्टर कहा जाता है। इसको ज़्यादातर एम्पलीफायर भी बोलते हैं और रिपीटर भी बोलते हैं। और जो थर्ड डिवाइस लगती है दैट इज़ द इंडोर एंटीना, मतलब उस जो मोबाइल सिग्नल नेटवर्क बूस्टर जो है हमारा, उसके साथ में वो तीसरी डिवाइस कनेक्ट होती है। तो ये इस तरह से एक पूरा सेटअप रन होता है। यहाँ पर होता ये है कि जो हम कई बार हम लोग देखते हैं कि टेरेस के ऊपर तो नेटवर्क आ रहा है लेकिन घर के अंदर नहीं आ रहा, कोई पर्टिकुलर जगह पर नहीं आ रहा है, तो उसके लिए ये एक आउटडोर एंटीना लगाया जाता है। ये घर के ऊपर जो नेटवर्क्स होते हैं उसको कैच करता है, उसको नीचे भेजता है। अब जो मोबाइल सिग्नल बूस्टर होता है वो उसके अंदर अपनी तरफ से गेन या फिर डीबी उसके अंदर ऐड करता है जितनी उसको रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से, और उसको आउटपुट देता है। आउटपुट देता है वो इंडोर एंटीना के पास में और इंडोर एंटीना उस सिग्नल्स को हमारे मोबाइल तक पहुंचाते हैं। तो इस तरह से ये काम करता है। अब हम ये देखते हैं कि मोबाइल सिग्नल बूस्टर किस किस तरह के आते हैं। अमूमन मोबाइल सिग्नल बूस्टर जो होते हैं वो कई तरह के आते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं आपके सामने कि आइडिया है या फिर वोडाफोन है, तो ये 900 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। जो हमारा एयरटेल का नेटवर्क है वो 1800 मेगाहर्ट्ज़ पे काम करता है। ये हो गई वॉइस डेटा की बात। अगर हम 3G डेटा के बारे में बात करें तो 3G डेटा 2100 के ऊपर काम करते हैं मेगाहर्ट्ज़ में। हमें ज़्यादातर वॉइस कॉल की ज़रूरत होती है। वॉइस कॉल के लिए अगर आपके पास में आइडिया या फिर आपके पास में वोडाफोन है तो आपको 900 मेगाहर्ट्ज का जो बूस्टर होता है, सिग्नल बूस्टर होता है, वो आपको लेना चाहिए और लगवाना चाहिए। अगर आप एयरटेल को यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मल्टी में जाना पड़ेगा, जो कि 900 मेगाहर्ट्ज से लेकर 1800 मेगाहर्ट्ज तक के बूस्टर आते हैं, तो वो आपको लगवाने चाहिए। और अगर आपको वॉइस डेटा के साथ साथ में आपको चाहिए कि आप 3G डेटा और 4G डेटा भी यूज़ कर पाएँ, तो उसके लिए आपको 21 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर की जो सिग्नल वाले जो बूस्टर आते हैं वो यूज़ करने चाहिए। आजकल मार्केट में ज़्यादातर अगर देखा जाए तो मल्टी बूस्टर बहुत प्रचलन में है। अगर आप एक मल्टी मोबाइल सिग्नल बूस्टर को परचेज करते हैं तो उसके अंदर आपका वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल और जो भी मोस्ट ऑफली जो नेटवर्क्स हैं जिसका हम लोग सिम यूज़ करते हैं वो सब उसके अंदर आ जाता है। इसके अंदर जो चांसेस होते हैं, जो मोबाइल सिग्नल के जो मोबाइल सिग्नल जो हमारे मोबाइल तक पहुँचने के जो चांसेज होते हैं वो अप्रॉक्सीमेट 90% होता है। मोस्ट ऑफली जो नेटवर्क्स जिसके टावर या फिर जिसके सिग्नल हमारी टेरेस पे या फिर आउटडोर में अवेलेबल होगा वही सिग्नल हम घर के अंदर तक ला सकते हैं। इसका कतई आप ये अंदाजा मत लगाइए कि हम जो मोबाइल सिग्नल बूस्टर लगाएंगे या फिर जो एम्पलीफायर लगाने वाले हैं वो कहीं से बाहर से सिग्नल को बूस्ट करके या फिर खींच के आपके घर तक नहीं लाएगा। यानी कि आपके घर के बाहर जहां पर बहुत अच्छा सिग्नल जिस भी ब्रांड का, जिस भी कंपनी का आ रहा हो, जिस भी टावर का आ रहा हो, वही सिग्नल को आप अंदर तक ला सकते हैं। तो जैसे कि आपने आज मेरे इस वीडियो के अंदर ये देखा कि अगर आप कहीं पर भी मोबाइल सिग्नल से परेशान हैं
इसके लिए भी टेक्नोलॉजी है, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप मार्केट में जाइए, आपको बहुत सारे मोबाइल सिग्नल बूस्टर मिल जाएंगे, आपको एक राइट वेंडर को चूज करना पड़ेगा या फिर थोड़ा सा दिमाग लगा के एक अच्छा मोबाइल सिग्नल बूस्टर को लेना होगा। वो आप घर में, आपकी ऑफिस में लगाकर आप ये जो कॉल ड्रॉप्स होते हैं उससे निजात पा सकते हैं। और हाँ, जब आप मोबाइल सिग्नल बूस्टर लगाते हैं, अगर आपके घर में नेटवर्क कम है तो उसमें आपको एक बेनिफिट और होता है कि आपकी जो मोबाइल की जो बैटरी है वो अप्रॉक्सीमेट 180 मिनट्स ज्यादा चलेगी। यानी कि अगर जहां पर सिग्नल कम होते हैं वहां पर हमारे मोबाइल को थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ता है, और वो ज्यादा काम करने के चक्कर में आपकी जो मोबाइल की बैटरी होती है वो बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है। तो अगर आप इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम से सफर हो रहे हैं तो मोबाइल सिग्नल बूस्टर लगाइए। अगर आपको इन सब चीजों में भी और कुछ जानना है, कुछ डिप में जानना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको जो भी मेरे चैनल के ऊपर कमेंट आने वाले हैं मैं उसका जवाब देता रहता हूं। और एक बार फिर से आपका शुक्रिया, क्योंकि हम लोग बहुत धीरे धीरे और आप लोगों के साथ में जुड़ते जा रहे हैं, हमारा चैनल ग्रो करता जा रहा है। अगर आपको हमारे जो कंटेंट है, हमारे मैं जो भी बता रहा हूं, जो टेक्नोलॉजी है, अगर आपको पसंद आ रही है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, एक शेयर भी कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप नए हैं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके सामने और भी इसी तरह के कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक्स और कुछ नई नई टेक्नोलॉजीज आपके सामने बताने वाला हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।